अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अभी मैं रेडी हुई हूँ, मैंने कहीं जाना है और आज ही वीडियो देखते हैं किस टॉपिक पे बनती है। अभी तो माइंड में कुछ नहीं था, बस काफ़ी अरसे बाद मैंने ऐसे ही कैमरा उठाया है और मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, तो देखते हैं। अभी मैं एक ब्यूटी थेरेपी से रिलेटेड ही एक न्यू कोर्स कर रही हूँ, एरोमा थेरेपीज का, तो उसकी क्लास के लिए मैं रेडी हुई हूँ। और ये मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये अकेडमी का नाम है। तो अभी देखते हैं कैसी वीडियो जाती है और किस टॉपिक पे बनती है। डेली रूटीन ही होगी प्रॉबेबली। अलैकुम। तो आज बहुत से दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है कि मैं वीडियो बनाऊं। उस दिन बस वापस आके बहुत थकावट हुई थी, कंटिन्यू नहीं कर सकी वीडियो को। तो आज डे ऑफ है, तो मैंने सोचा कि आज फिर बना लेती हूँ। तो बस यही होता है कि जब स्टडी कर रहे हो तो साथ बहुत टफ हो जाता है बाकी काम मैनेज करना, और काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया। तो अभी मैं बाहर आई हूँ, मैंने कहा चलो आज वेदर देखे, क्लाउडी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़े मज़े की ना। तो मैंने कहा चलो मार्केट चले जाते हैं, कुछ चीज़ें ले लें और साथ में थोड़ी सैर भी हो जाएगी। डे ऑफ है तो इसको इंजॉय करते हैं। तो देखते हैं आज की रूटीन कैसी जाती है। तो अभी मैंने बैंक जाना था, मैं बैंक से ऊपर आई हूँ, अब जाऊँगी शॉप में जो पास ही है। मौसम बहुत प्यारा है, फिरने का भी मज़ा आ रहा है। और देखिए इधर बाहर कितना नीट एंड क्लीन होता है सब। तो ये एक पार्क आ गया, इसके बाद वो मार्केट आ जाएगी जहाँ मैंने जाना है, फिर मैं उस शॉप में जाती हूँ, हेडफोन लेने हैं मैंने अपने। और ये मैं ग्रोसरी स्टोर में आ गई हूँ, एलडी, ये बहुत अच्छा है। इधर से मैंने थोड़ी सी फ्रूट लिए हैं और साथ ही अपने राइस क्रैकर लिए हैं और कुछ चीज़ें और देखूंगी, उसके बाद मैं वापस जाऊँगी। ये बहुत बड़ा स्टोर तो नहीं, लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा है, इनके पास सामान होता है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा अपने लिए जंक फूड ले लूँगी, थोड़े से फ्रूट सब्ज़ी। तो ये बस एक चक्कर लगा रही हैं, ऐसे ही देख रही हूँ। हो गया, मैं वापस घर जा रही हूँ, टैक्सी बुक करूँ, टैक्सी का वेट कर रहा है। तो अब मैं वापस आ गई हूँ, आते ही मैंने कोट उतारा है क्योंकि इतनी सख्त गर्मी लग रही थी और विंटर ख़त्म हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदल रहा है, जैसे पाकिस्तान में समर ख़त्म हो रहा है। तो ख़त्म तो नहीं हो रहा लेकिन गर्मी कम हो गई है, वैसे ही इधर विंटर के में सर्दी कम हो गई है, ख़त्म हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। तो बहुत गर्मी लगी थी तभी मैंने कोट उतार दिया। तो बस मुझे ये बताएं कि मुझे किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस बनानी चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पे देखना चाहते हैं, इमिग्रेशन प्रोसेस पे, वीज़ा टाइप पे, या कोई एजुकेशनल हो, ब्यूटी थेरेपी से रिलेटेड, या डेली व्लॉग्स हो, कोई भी जो आप देखना चाहते हैं वो मुझे बताएं, तो मैं वो वाली वीडियो ज़्यादा बनाऊंगी। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर निकली हूँ, आज वेदर बहुत अच्छा है, तो मैं अब फिर सिटी आ गई हूँ और स्टडी की वजह से इतनी हेक्टिक रूटीन है कि टाइम ही नहीं मिलता। देखें वेदर। तो ये अब मैं H&M पे आ गई हूँ। H&M पे बहुत वैरायटी होती है कपड़ों की, शूज़ की और ज्वेलरी की, और ज्वेलरी भी बहुत प्यारी है इनकी, लेकिन ठीक ठाक एक्सपेंसिव होती है। तो लिया तो मैंने कुछ नहीं, लेकिन आज फ्री थी और वीकेंड पे फिर यही होता है कि बस दिल खोल के मज़ा करो और आउटिंग करो और स्टोर्स के चक्कर लगा लो, जहाँ पे तो यही एक एंटरटेनमेंट है। तो फिर मैंने कहा चलो इन्जॉय करते हैं। और पर्स भी अच्छे थे लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, पर्स तो मैं ज़रूरत के तहत लेती हूँ, एक दफ़ा लो सालों चलते हैं तो वो फिर जितनी चाहिए मैं उतनी ही लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, वरना वो
रखने का मसला हो जाता है। तो बस एक नज़र देख रही थी, हाँ किसी को गिफ्ट करने के लिए अगर चाहिए हुआ तो वो ले लूँगी मैं। के बैठ गई हूँ, मैंने एक टूर लगाया है और अपनी फेवरेट स्टोर मायर पे आ गई हूँ। यहाँ पे सब कुछ है, मेकअप, कपड़े और शूज़ की बहुत अच्छी वैरायटी है, पर बहुत एक्सपेंसिव है शूज़, मैं यहाँ से नहीं लेती, बहुत एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव स्टोर से रोज़ रोज़ शॉपिंग तो नहीं होती, लेकिन यह है कि मैं आके प्रोडक्ट्स देखती हूँ, लगाती हूँ, परफ्यूम लगाती हूँ, कभी कभार ले भी लेती हूँ परफ्यूम, लेकिन बहुत कम, तो क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। पर इसी में आउटिंग शॉप आउटिंग हो जाती है, विंडो शॉपिंग हो जाती है, मज़ा आता है, एक तो एक्टिविटी है बाहर। तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं जब भी कैमरा उठाती हूँ थोड़ी सी बात करती हूँ और कोई ना कोई काम आ जाता है, या मैं बिज़ी हो जाती हूँ और वो वीडियो रह ही जाती है। बहुत दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है, तभी आपने देखा होगा बहुत लंबा गैप आया है इस बार। अब बस 2 महीने होने वाले हैं मुझे वीडियो पोस्ट किए हुए, कुछ ही दिनों में 2 मंथ्स हो जाएंगे। तो वो इसीलिए है कि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो रूटीन ऐसी टफ हो जाती है, टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए, मुश्किल से घर के काम मैनेज होते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है कोई भी हेल्प नहीं होती, तो सब कुछ काम खुद ही करना होता है, तो वो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर आज कोशिश करूँगी इसको किसी पार लगा दूँ तो बना लूँ, देखते हैं कि फिर क्या ये कम्प्लीट होती है, आज भी यह रह जाती है। तो बस वही, अब भी मैं जा रही हूँ, बाहर निकल रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा स्टडी काफ़ी कर ली, अब थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, तो बस ऐसे ही बाहर जा रही हूँ घूमने फिरने। आज तो मैं अपने घर के पास वाली मार्केट में आ गई हूँ, छोटी सी मार्केट है लेकिन ज़रूरत का सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप पे सेल लगी हुई है, तो वहाँ मैं आ गई हूँ। ज्वेलरी देख रही थी, बहुत सस्ती और बहुत प्यारी, लेकिन मुझे कुछ काम करने थे, मैं जल्दी में थी, मैंने बस एक चक्कर लगाया, मैंने कहा मैं वापसी पे आती हूँ, और वापसी पे फिर देर हो गई तो मैं जा नहीं आ सकी, तो जल्दी दोबारा जाऊँगी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइसेस कम की हुई थी। और ये मेरी फेवरेट शॉप है लोविसा, इनके पास ज्वेलरी बहुत स्टाइलिश होती है। तो मैं आ गई थी मैनी पेडिक्योर करवाने, नेल सैलून में मुझे ये था कि वो पहले ये करवा लगी हूँ, मैंने मैनीक्योर करवाया है, पेडिक्योर करवाया है, और बस अब वापस जा रही हूँ, टैक्सी बुक करवाई है। अच्छा दिन गुजर गया अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हेक्टिक दिनों के बाद। तो ये इस दफ़ा वीडियो भी शिफ्टों में बन रही है, और ये मैनी पेडी के बाद मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। मैंने घर आ गई थी और शाम को थोड़ा रेस्ट करके अब मैंने दोबारा से पढ़ना है, ये मेरी सिलेबस की बुक्स हैं, मैगजीन नहीं है, तो ये भी पढ़ूंगी थोड़ा सा, फिर रेस्ट करूंगी, सुबह क्लास है, और फिर बस अच्छी अच्छी वीडियो इतनी ही थी। आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।